Okay. So today I'll start with circular number 48/2018. That is on your page number 15, same chapter 1D. Chapter 1D, page number 15. Circular number 48/2018. इसमें दो तीन clarification है. Clarification number 1 में पढ़ रहा हूँ. Whether services of short-term accommodation, conferencing, banqueting, etc. provided to special economic zone developer or special economic zone unit be treated as interstate supply under section 75B of IGST Act or intrastate supply as per section 12(3)C of IGST Act. So basically services जिसकी बात चल रही है वो चल रही है accommodation, conferencing, banqueting. अगर मैं बोल रहा हूँ कि SEZ unit है, SEZ unit ने अगर कोई होटल में बैंक्वेट बुक किया है फॉर इट्स बिजनेस मीटिंग, तो अगर SEZ ने होटल बुक किया है फॉर इट्स बिजनेस मीटिंग, तो जो होटल वाला है जो SEZ को सर्विस दे रहा है वो बोलता है कि सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी है. अगर सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना होगा वो लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी होता है सेक्शन नंबर 12(3) के हिसाब से. अगर लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है तो होटल ओनर, सपोज मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद है, होटल बी हैदराबाद में बैंक्वेटिंग सर्विसेज हैदराबाद में लिया, तो वो बोलता है कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद. हाउएवर मेरे को स्पेसिफिकली लॉ में बोला हुआ है इंट्रास्टेट के डेफिनेशन और इंटरस्टेट के डेफिनेशन में, दैट इज सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ IGST एक्ट. इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट के डेफिनेशन में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है सप्लाई टू और सप्लाई बाय SEZ यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई. So, अभी तक दो क्वेश्चन हो गया. जो सर्विस प्रोवाइडर है होटल अकोमोडेशन वो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ होटल होता है, दैट इज एज पर सेक्शन 12 IGST का. बट इंटरस्टेट सप्लाई का डेफिनेशन मेरे को बोलता है सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई टू और बाय SEZ इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई. स्पेसिफिक है वो, सेम स्टेट में होगा तो भी इंटरस्टेट मानते हैं. तो अब ये दो सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो सर्कुलर नंबर 748 क्लेरिफाई करता है कि सप्लाई टू SEZ स्पेसिफिक प्रोविजन है और इमोबल प्रॉपर्टी जनरल प्रोविजन है. तो सिंस सप्लाई टू SEZ स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसके लिए होटल अकोमोडेशन, बैंक्वेटिंग, ये सब सर्विस भी इंटरस्टेट सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा. इवन दो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, स्टिल इट विल बी एन इंटरस्टेट सप्लाई. सो दैट इज फर्स्ट क्लेरिफिकेशन इन सर्क्यूलर नंबर 48. सेकेंड क्लेरिफिकेशन मेरे को बोलता है सप्लाई टू SEZ और सप्लाई टू SEZ बेसिकली उसको अपन बोलता है जीरो रेटेड सप्लाई. नाउ व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? आइडियली जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ. जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि जब आप सप्लाई करोगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरने का है, बट आप लोग को ITC मिलेगा इवन दो वो सप्लाई पे टैक्स नहीं आ रहा है. फिर भी एग्जेम सप्लाई में भी आपको आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, बट एग्जेम सप्लाई में आप लोग को ITC अवेलेबल नहीं होता है. हाउएवर इन द केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पे नॉर्मली टैक्स नहीं आता है और इनवर्ड सप्लाई का ITC भी मिलता है. सो अभी क्वेश्चन क्या हो गया है कि जो SEZ यूनिट है अगर मैंने अपना सर्विसेज SEZ को दिया है तो मैं उसको जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड करता हूं. तो अगर मेरा जीरो रेटेड सप्लाई है तो इन दैट केस वो सप्लाई पे मेरे को टैक्स नहीं आएगा और ITC मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज जो सर्विसेज ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग है, बैंक्वेटिंग है, अकोमोडेशन है, वो सर्विसेज अगर मैंने SEZ को दिया तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? तो ऑब्वियसली लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ है तो जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में ही आएगा. सो मेरे को वो क्या बोलता है क्लेरिफिकेशन का आंसर, the supply to SEZ developer or SEZ unit shall be treated as zero rated supply and the supplier shall be eligible for refund of unutilized input tax credit or IGST. As the case may be, only if supply have been received by SEZ developer or SEZ unit for its authorized operation. So, agar authorized operations ke liye SEZ ne wo services received kiya hai, to supplier ke liye wo zero rated supply hoega, koi tax nahi aayega aur ITC available hoega. Aur agar ITC use nahi kar paayega, to uska refund bhi le sakta hai. So, that is clarification number 2. To 48 ke andar first clarification tha, SEZ को अगर अकोमोडेशन का सर्विसिंग दिया तो उसको क्या मानेगा, इंट्रा या इंटर? तो इट इज क्लेरिफाइड इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे इवन दो सेम स्टेट है तो भी. सेकंड क्लेरिफिकेशन, सर्विसेज जो SEZ को मैंने दिया बैंक्वेटिंग वो सब का, वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा नहीं आएगा? तो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा प्रोवाइडेड SEZ यूनिट ऑथराइज होना चाहिए और आप लोग को ITC अवेलेबल होगा, यूज नहीं कर सकते तो रिफंड मिल जाएगा.
सेम सर्कुलर में, सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन नंबर 3 जॉब वर्क इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर नंबर 48 का थर्ड क्लेरिफिकेशन मेरे को क्या बोलता है, जीरो रेटेड सप्लाई जो होता है और जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें आईटीसी रिफंड मिलता है। इंपॉर्टेंट है समझना प्लीज, आईटीसी जो अपन अवेल करता है वो आईटीसी इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होता है। अमालगमेशन में पुराने कंपनी का आईटीसी न्यू कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, हाउएवर आईटीसी का नॉर्मली रिफंड नहीं मिलता है। सो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल एज रिफंड। गवर्नमेंट ने उसका दो एक्सेप्शन बनाया हुआ है। पहला एक्सेप्शन बोलता है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आप लोग ने परचेजेस यूज किया है तो आईटीसी का हम लोग रिफंड देने के लिए रेडी है। तो अगर मैंने परचेस किया, एक्सपोर्ट किया, तो जो परचेस का आईटीसी है वो मुझे रिफंड मिल जाएगा, प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट पे मैंने टैक्स नहीं भरा होगा। सेकेंड एक्सेप्शन बोलता है आईटीसी के रिफंड का, नॉर्मली रिफंड नहीं मिलता है, बट सेकेंड एक्सेप्शन बोलता है कि अगर आउटवर्ड सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स लोअर है और इनवर्ड सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स हायर है तो इन दैट केस जो इनपुट्स है, सिर्फ इनपुट्स की बात कर रहा हूं, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो इनपुट्स है उसके ऊपर जो आईटीसी बचेगा उसका हम लोग रिफंड देगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है जो फिनिश गुड्स है जिसके ऊपर रेट 5% है, और प्रोडक्ट बी है जो रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर रेट 12% है। तो प्रोडक्ट ए के ऊपर रेट 5 है, रॉ मटेरियल जो उसको बनाने में यूज हुआ उसके ऊपर रेट 12 है, तो इनपुट का रेट हायर है आउटपुट से, तो गवर्नमेंट बोलता है जो आईटीसी है वो यूज करो और अगर यूज नहीं होएगा तो उसके लिए रिफंड हम लोग देने के लिए रेडी है। सो बेसिकली आईटीसी का रिफंड दो केस में मिलता है, एक डीम्ड एक्सपोर्ट दैट इज एससीजेड और एक्सपोर्ट के केस में, दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब रेट ऑफ टैक्स आउटपुट पे कम है और इनपुट पे ज्यादा है। However, inverted tax structure में ऐसा बोला है कि जो notified goods है उसके ऊपर हम लोग refund नहीं देगा। Notified goods के ऊपर refund नहीं मिलेगा मतलब वो negative list हो गया। अब government बोलता है हम लोग ने fabric को notified goods के definition में डाला हुआ है, मतलब अगर fabric के ऊपर rate of tax lower है और raw material मतलब यान के ऊपर rate of tax higher है तो जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, बिकॉज फैब्रिक नोटिफाइड गुड्स है मतलब नेगेटिव लिस्ट में जाता है। क्वेश्चन क्या हो गया, मैं जॉब वर्क करूं, मैं फैब्रिक मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं जॉब वर्क करूं, मैंने किसी और के लिए फैब्रिक प्रोसेस करके दिया और मेरा जो आउटवर्ड रेट है वो ज्यादा है, इनवर्ड रेट है वो कम है, तो वेदर जॉब वर्कर जो फैब्रिक पे काम कर रहा है उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। फैब्रिक मैन्युफैक्चरर को तो रिफंड मिलने नहीं वाला है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, बट जो जॉब वर्कर उसको प्रोसेस करके दे रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जॉब वर्कर को ऑब्वियसली रिफंड मिलेगा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेपरेट कॉन्सेप्ट है और सर्विस देना एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। तो जो जॉब वर्कर है प्रोसेसिंग का काम कर रहा है उसका प्रिंसिपल है सर्विस प्रोवाइड करना, जो फैब्रिक के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो इसके लिए जॉब वर्कर को इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा, हाउएवर मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। सो सर्कुलर नंबर 48 में थर्ड जो क्लेरिफिकेशन है वो मेरे को यही बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ रहा हूं, वेदर इंडिपेंडेंट फैब्रिक प्रोसेसर जॉब वर्कर इन टेक्सटाइल सेक्टर सप्लाइंग जॉब वर्क सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इवन इफ द गुड्स दैट इज फैब्रिक सप्लाइड आर कवर्ड बाय नोटिफिकेशन। तो फैब्रिक कवर्ड होगा तो फैब्रिक पे नहीं मिलेगा बट जॉब वर्कर की सर्विसेज पे मिलेगा। सो दैट इज योर सर्कुलर नंबर 48 तीन क्लेरिफिकेशन का। एससीजेड को सप्लाई करते हैं तो इंटरस्टेट है, अकोमोडेशन देगा वो भी इंटरस्टेट में आएगा। सेकंड था एससीजेड को जो बैंक्वेटिंग वो सब सर्विस दिया है वो भी जीरो रेटेड सप्लाई ही है, आईटीसी का रिफंड मिलेगा। एंड थर्ड ये था कि जॉब वर्कर जो है उसको रिफंड मिलेगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इवन दो फैब्रिक नेगेटिव लिस्ट में आता है। ओके सो दैट वाज योर सर्कुलर 48, थैंक यू।